आज मन कर रहा है कि तंदूरी चिकन खाए, लेकिन कोई ऐसी वैसी तंदूरी चिकन नहीं, पंजाबी ढाबे वाली तंदूरी चिकन। और इसलिए मैं आया हूँ आज बम्बई के सबसे फेमस ढाबे पर, जिसका नाम है प्रीतमदा ढाबा। वहाँ हम तंदूरी चिकन खाने वाले हैं, दाल मखनी भी खाने वाले हैं और बहुत सारा कुछ खाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि आज खाने में क्या है। और हमारे साथ है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन गोगी सिंह कोहली, हु हैज बीन रनिंग प्रीतम का ढाबा। प्रीतम ढाबा हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, कितने साल हो गए? देयर आर टू रेस्टोरेंट्स एक्चुअली, वन इज द प्रीतम रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1942, यस, एंड देन द प्रीतम का ढाबा व्हिच स्टार्टेड इन 1985। प्रीतम का ढाबा इज एसेंशियली अ ओनली डिनर प्लेस। ओके, इट गिव्स यू प्योर पंजाबी फूड एज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्थ इंडियन फूड। ओके, एंड इट्स एवरीथिंग इज कुक्ड इन देसी घी। देसी घी, मेरी वो सॉर्ट ऑफ मन की ख्वाहिश थी कि आज मैं एक तंदूरी चिकन खाऊं जो असली पंजाबी है। बिल्कुल, अब बम्बे में हर जगह तंदूरी चिकन मिलती है, लेकिन ढाबे वाली जो होती है तंदूरी चिकन, बिल्कुल वो नहीं मिलती। एब्सोल्युटली प्योर। तो वो कैसे बनती है, क्या फ़र्क है इसमें? आपको फ़र्क देखना है तो फिर आप मेरे साथ में किचन में चलिए, वहीं पर फ़र्क दिखा देते हैं। चलो, मेरी असली ढाबे वाली पंजाबी तंदूरी चिकन खाने की ख्वाहिश पूरी हो रही है। अभी बनाएं तंदूरी चिकन, बनाएं बिल्कुल। तो आई विल वॉक यू थ्रू दिस। ओके, एंड शेफ विल डू द ऑनर। सो दिस इज अबाउट 900 ग्राम चिकन, 900 ग्राम चिकन। देयर आर टू स्टेप्स टू मेकिंग अ तंदूरी चिकन। वन इज द फर्स्ट मैरिनेड। द फर्स्ट मैरिनेड यू पुट नथिंग एक्सेप्ट लेमन, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। ये एक चिकन के लिए अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अबाउट 1/2 to 1 lemon डिपेंडिंग ऑन द साइज। कम से कम आधे पौने घंटे तक छोड़ दिया जाता है। आधे घंटे के बाद अब ये सेकेंड और फाइनल मैरिनेशन होगा। okay. जिसमें मसाले पड़ेंगे और दही पड़ेगा। एनीबडी वॉन्ट्स अ रेसिपी, प्लीज यू मोर देन वेलकम। अच्छे इंग्रेडिएंट और थोड़ा सा प्यार, और कुछ नहीं, बहुत सारा प्यार। तो सबसे अभी हम मसाले डालेंगे। नमक अबाउट 1 teaspoon, ये काला नमक। रॉक्स। ओके, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए क्योंकि ये तीखी नहीं होती और कलर देती है। ये धनिया पाउडर और ये कुटी हुई इलायची पाउडर। हाँ। ये लाल मिर्ची, ये वही कश्मीरी मिर्च का पेस्ट है। तो दो किस्म की मिर्ची जाती है, मिर्ची का पाउडर जाता है, पेस्ट भी जाता है। जो वो पेस्ट इज मोस्टली फॉर कलर। अभी इसमें सिर्फ थोड़ा सा सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल। पंजाब में सरसों का तेल बहुत यूज होता है। जी, हर पंजाब में हर एक चीज़ सरसों के तेल में बनी जाती है। तो ये सरसों का तेल हो गया, करीबन 1.5 टेबल स्पून। तो जब तक ये मसाज हो रहा है, मैं पूछूं आपको, सो व्हाट केम फर्स्ट, चिकन और द एग? द पेरेनियल क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक इट शुड मैटर अनलेस एंड अनटिल यू ईट बोथ, यू कैन ईट व्हाटएवर एंड एंजॉय देम। दैट इज ट्रू। आई थिंक तंदूरी चिकन केम फर्स्ट। नाउ दिस इज मसाज्ड, वी वुड कीप दिस फॉर अनदर 1/2 hour और सो। ओके, एंड देन वी विल ऐड आवर yogurt. Approximately I would say about 4 tablespoons to 5 tablespoons of hunkered. Hunkered. Yeah. So hunkered also has less moisture. Hunkered is less moisture. So we'll leave it for 1/2 hour. And we'll get back after 1/2 hour. Aur aadhe ghante ke baad the tandoori chicken is now ready for the dahi. And again massage.
this also you keep for a little while, marinate karke. Well, now. For chicken, you don't actually need that much marination. About, I would say, about half an hour. All that left to be done now is put it on a skewer और तंदूर में डालने का और कुछ नहीं और वो पेट पे डालने का पेट पे डालने का immediately वो बहुत important है बहुत important है माहौल और खाना दोनों ढाबे का है और शुरू करते हैं जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया था उस चीज से यानी ये तंदूरी चिकन है। और तंदूरी चिकन ऐसे ऐसे डेलिकेटली नहीं खाते ऐसे ही खाना चाहिए ब्यूटीफुल मैरिनेट है मसाले अंदर तक पहुंचे हैं चिकन के जो ढाबे पर मिलती है ना वैसी ही तंदूरी चिकन है वाह अब सीख कबाब ट्राई करते हैं यहाँ का सीख कबाब भी बहुत अच्छा होता है मटन सीख कबाब है ये मटन के खीमे में प्याज मसाले मिर्ची धनिया डाल के पीस के तंदूर पर बनते हैं ब्यूटीफुल पहले जो सब ड्राई आइटम है या कबाब आइटम है वो मैं पहले खा रहा हूँ उसके बाद यहाँ सालन की तरफ मैं आ जाऊँगा ये इनकी स्पेशलिटी है भरवे आलू आलू जिसमें स्टफिंग है और इसका स्टफिंग जो है वो आलू जो अंदर से निकाला हुआ आलू होता है उसमें पनीर होता है थोड़ी ग्रीन पीस होते हैं और ड्राई फ्रूट होते हैं वाह किशमिश तो मेरे को यहीं दिख रही है ये बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट थोड़ी सी मिठास और एक बहुत सारा रिचनेस है इनमें अब बैंगन का भरता किसी भी पंजाबी घर में जाओ बैंगन का भरता तो होता ही है और ये जो बैंगन भरते की रेसिपी है वहाँ से जब से ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ है तब से इसकी रेसिपी चेंज नहीं हुई मसाले जितने चाहिए उतने ही प्याज कच्चा अंदर जो दांत के नीचे आता है बहुत अच्छा है बैंगन का भरता और ये जो है वो पालक है लेकिन लहसुनी पालक इसके ऊपर लहसुन फ्राई करके गार्लिक फ्राई करके ज़्यादातर के मैं हरी सब्जियां नहीं खाता क्यों पूछो मत ये प्रॉब्लम है मेरा ये लेकिन ये पालक जो है लहसुनी पालक पालक पनीर मुझे बहुत पसंद है स्पेशली अगर ये पंजाबी स्टाइल में बनाया हुआ तो मुलायम पालक मुलायम ऊपर से स्ट्रॉन्ग क्रिस्पी गार्लिक अब थोड़ा नॉनवेज की तरफ जाते हैं मक्खनी मक्खन वाला जो कहते हैं ना मक्खन वाला जो बटर चिकन कहते हैं हम लोग मसालेदार बटर चिकन रिच ग्रेवी माइल्ड स्पाइसेस मसाले हैं लेकिन सिर्फ फ्लेवर के लिए है सॉफ्ट चिकन वेरी नाइस
ये जो बटर चिकन है ना, बम्बई की टॉप 5 बटर चिकनों में है, और मुझे हर दिन बटर चिकन के सपने आते हैं। ये मैंने आपको कहा था, ये खाने के बाद मैं एकदम आराम से सोने वाला हूँ। 3 चीज़ें बाकी है, भुना गोश्त, जो प्याज टमाटर में भुना हुआ होता है। मैंने यहाँ का भुना गोश्त बहुत बार खाया है, मेनी टाइम्स। इसको ऐसे पूरे भुने हुए प्याज का स्वाद है, स्ट्रांग, ऐसे बर्नट जो प्याज होता है ना उसका, इसीलिए डार्क कलर का है ये। अब क्या खाएं, दाल बाकी है, क्योंकि यहाँ की दाल भी अव्वल नंबर की है। ये ओवरनाइट स्लो कुक होती है, जिस तंदूर में हम लोगों ने तंदूरी चिकन पकते हुए देखी, जैसे रात होती है रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, उसी तंदूर पर रात भर पकती है ये, इसीलिए इतनी सॉफ्ट और क्रीमी हो जाती है, इसमें क्रीम नहीं डालते। और ये दाल सिर्फ किसी पंजाबी मित्र के घर पे ही आपको मिलेगी, ब्यूटीफुल। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे और अंबाला की तरफ जाओगे, तो वहाँ सब ढाबे हैं, नॉन वेज ढाबे, क्योंकि ज़्यादा करके जो पंजाब में ढाबे होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वैष्णव होते हैं, लेकिन वो अंबाला वाले ढाबे नॉन वेज होते हैं, और वहाँ मिलता है भेजा, और मुझे भेजा कम है लेकिन बहुत पसंद है। हाँ, बम्बई में 3 या 4 टाइप के भेजा प्रेपरेशन मिलते हैं। एक चिलिया रेस्टोरेंट वाला मिलता है, एक ईरानी टाइप मिलता है, एक पारसी टाइप मिलता है, और ये पूरा पंजाबी ढाबे स्टाइल का भेजा है, ब्यूटीफुल है। आपको मेरा खाना देख के पेट भर गया? नहीं भरा, मेरा भी नहीं भरा, काफ़ी सारा खाना बाकी है, वक्त हमारे पास कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर आपको एपिसोड और देखने हैं, तो प्लीज़ राइट, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आते रहिए, खाते रहिए, और मुझसे पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है। कोई और खाएगा क्या? क्या मैं सब खत्म कर दूँ? खुद कर देना, खत्म कर देना, थोड़ा थोड़ा 2-3 प्लेट भिजवा दे। एंड गोगी फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, इतना अच्छा फ्रेम है ना कि बहुत प्यारा है, पीछे लाइट मस्त है।